अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल क्रोशिया नेट स्वेटर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बेबी स्वेटर बनाना बता रही हूँ। इसे मैंने बेबी वूल से बनाया है और इस 4 mm के क्रोशिया हुक से बनाया है। इसे मैंने यहाँ ऊपर से स्टार्ट किया है और पहले योक बनाया और उसका फ्रंट और बैक फिर ये इकट्ठा राउंड में बनाया है। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने यहाँ योक से स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन चेन जो है वो 52 लेंगे। तो ये मैं इसमें 52 चेन्स लेती हूँ। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 प्लस 1 एक एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद हमने हुक से नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करना है। अभी हमारे पास टोटल 52 रह जाएंगी चेन्स। तो अब बाकी के हर स्टिच के अंदर हमने फर्स्ट रो जो है वो सिंगल क्रोशे की करनी है। सिंगल क्रोशे यानी 2 2 का 1। इसी तरीके से हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर देनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मैं आपको ये कंप्लीट करके यहाँ पर मिलती हूँ। ये मैंने फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट कर ली है सिंगल क्रोशे करते हुए। अब मैं ये इसकी सेकंड रो स्टार्ट करूँगी। सेकंड रो स्टार्ट करने के लिए चेन 2 करेंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे ऐसे। इसके बाद हमने सेम स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे डालना है, यानी हुक पर बल लेकर 3 3 का 2 2 का 1। इस तरह से ये अगले 2 स्टिचेस में और 2 डबल क्रोशे डालेंगे, 2 और 1 ये 3। ये हमारे 3 डबल क्रोशे हो गए। इसके बाद अब चौथे स्टिच के अंदर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो एक ही स्टिच में 2 बार डबल क्रोशे डालेंगे। ये एक बार हो गया, अब सेम स्टिच में एक बार फिर से डाल देंगे ये 2 बार। इसी तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है इसी पैटर्न में। 3 स्टिचेस में नेक्स्ट सिंगल एक एक डबल क्रोशे डालेंगे। 1 हो गया 2 और 1 ये 3। इसके नेक्स्ट में अब ये 2 डबल क्रोशे सेम में एक और ये इंक्रीज़ हो गया। यहाँ इंक्रीज़ किया था, फिर ये 1 2 और 3, 3 के बाद फिर से ये इंक्रीज़। इसी तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। 3 डबल क्रोशे 1 2 और 1 ये 3। इसके बाद नेक्स्ट में हमारे 2 डबल क्रोशे आएंगे। इसी पैटर्न को हमने यहाँ तक रिपीट करना है। ये मैंने हर 3 स्टिचेस के बाद एक इंक्रीज़ करते हुए ये फर्स्ट रो जो है कंप्लीट कर ली है। तो ये मेरे पास इस टाइम इस रो को कंप्लीट करने के बाद टोटल 65 स्टिचेस बन गए हैं। अब फिर से नेक्स्ट रो में हम इसी तरह इंक्रीज़ करेंगे। 1 2 चेन करके फिर ही हमने टर्न किया। अब हमने सेम स्टिच के अंदर 1 डबल क्रोशे बनाना है और अगले 3 स्टिचेस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी टोटल 4। 1 2 3, ये हमारे 1 2 3 हो गए और 1 ये 4। अब हमने हर 4 स्टिचेस के बाद एक इंक्रीज़ करना है। ये हमारा पहले रो का इंक्रीज़ है, ये 20 स्टिच बना हुआ है। इसके साथ वाले में, इसके पहले वाले स्टिच में हमने इंक्रीज़ करना है। तो हर 4 स्टिचेस के बाद
एक ही में हम दो बार डाल देंगे, ये हमारा इंक्रीज़ हो गया। इसके बाद फिर चार स्टिचेस बनाएंगे, एक दो तीन और एक ये चार। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में हम ये इंक्रीज़ करेंगे, यानी एक ही स्टिच में दो बार। इसी तरह से ये जो पूरी रो है, हर चार स्टिचेस के बाद ये एक दो तीन चार के बाद ये इंक्रीज़ किया है हमने। इसके बाद फिर एक दो तीन चार के बाद इसके अंदर इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह से हमने ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करनी है, यहाँ तक। ये मैंने हर चार स्टिचेस के बाद एक इंक्रीज़ करते हुए ये रो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट रो में फिर से हमने इंक्रीज़ करना है। अगले रो में हम हर पांच स्टिचेस के बाद करेंगे। सेम स्टिच के अंदर पहले हम ये एक डबल क्रोशे बना देंगे, ये एक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चार स्टिच और लेंगे हम, यानी टोटल पांच स्टिच के बाद। तो ये दो तीन चार और एक ये पांच। इसके बाद छठे स्टिच के अंदर हम फिर से ये दो डबल क्रोशे बना देंगे, ये इंक्रीज़ कर रहे हैं हम। इस रो में हमने हर तीन स्टिच के बाद ये डाला था, फिर हमने ये हर चार स्टिच के बाद एक इंक्रीज़ डाला है। अब इस रो में हम हर पांच स्टिचेस के बाद, एक दो तीन चार पांच के बाद ये एक इंक्रीज़ डाल दिया हमने। इसके बाद फिर से यही करेंगे हम, इस रो को पूरा इसी तरह कंप्लीट करेंगे हर पांच स्टिचेस के बाद, एक दो तीन चार और एक ये पांच। ये पांच स्टिचेस के बाद सिक्स छठे स्टिच के अंदर फिर से दो डाल देंगे, ये इस तरह से। इसी तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट रो में पहुंचेंगे यहाँ पर, तो टर्न करके फिर इसी तरह से जैसे हमने ये छः स्टिचेस के पांच स्टिचेस के बाद एक इंक्रीज़ किया है, इसके अगले रो के अंदर हम छः स्टिचेस के बाद करेंगे। उसके बाद फिर उससे अगली रो में हम सात स्टिचेस के बाद, और उससे अगली रो में हम आठ स्टिचेस के बाद एक इंक्रीज़ करेंगे। तो इस तरह से हम ये चार रोज और बना लेंगे। तो मैं आपको ये चार रोज कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ। ये रो मैंने पांच के बाद इंक्रीज़ करके ख़त्म कर दी है। जब हमने ये स्टार्ट किया था तो हमारे पास टोटल 52 स्टिचेस थे। उसके बाद हमने इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया, तो जब हमने फर्स्ट इंक्रीज़ किया है वो तीन स्टिचेस के बाद एक बार इंक्रीज़ किया था, तो हमारे पास टोटल उसके उस रो को कंप्लीट करने के बाद 65 स्टिचेस हो गए थे। उसके बाद हमने चार स्टिचेस के बाद एक इंक्रीज़ किया है, तो उस रो के बाद हमारे पास टोटल जो हैं वो 78 स्टिचेस हो गए थे। और अब हम ये पांच स्टिचेस के बाद हमने ये इंक्रीज़ किया है, तो अब हमारे पास टोटल 91 स्टिचेस हो गए हैं। इसके बाद हमने फिर से इंक्रीज़ करना है, अब हम छः स्टिचेस के बाद करेंगे। तो पैटर्न वही रहेगा, करना किस तरह है उसी तरीके से। अब पहले हम छः स्टिचेस जो हैं वो डबल क्रोशे के बुनेंगे, एक हो गया, दो तीन चार पाँच और एक ये छः। इसके बाद ये वी स्टिच से पहले वाला स्टिच आ गया, यहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाना है दो बार, एक ही में ये दो बार। अब ये वाली रो जो है हमने इसी पैटर्न में कंप्लीट करनी है हर छः स्टिचेस के बाद, एक दो तीन चार पाँच छः के बाद ये, फिर एक दो तीन चार पाँच के बाद इस छठे स्टिच के अंदर हम ये डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो जब हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास टोटल 104 स्टिचेस, 104 स्टिचेस हो जाएंगे। तो मैं आपको ये यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने छः स्टिचेस के बाद इंक्रीज़ की रो कंप्लीट कर ली है। अब हमने नेक्स्ट रो में हर सात स्टिचेस के बाद एक इंक्रीज़ करना है। पैटर्न वही रहेगा,
यहाँ पर हम हर सात, इस रो में हम हर 7 स्टिचेस के बाद एक इंक्रीज़ करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद फिर हमारा यहाँ पर ये इंक्रीज़ आ जाएगा। तो इस रो में हम 7 के बाद करेंगे और इसके नेक्स्ट रो में हम 8 स्टिचेस के बाद इंक्रीज़ करेंगे। तो ये 2 रोज़ जब हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारे पास टोटल 130 स्टिचेस हो जाएंगे, 130 स्टिचेस। तो मैं आपको ये 2 रोज़ कंप्लीट करने के बाद मिलती हूँ। ये मैंने 8 स्टिचेस के बाद इंक्रीज़ की रो जो है वो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद यहाँ पर हमारा ये योग कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमने ये नीचे का ये पोर्शन स्टार्ट करना है। इसे स्टार्ट करने के लिए हम ये फ्रंट बैक स्लीव्स और इन सबको अलग अलग करेंगे। तो इसके लिए हमें मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप किसी और रंग की वूल से बांध कर भी निशान लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से 18 स्टिचेस के बाद एक मार्कर लगाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, इसके बाद ये 19वें के ऊपर मैं ये एक मार्कर लगा दूंगी। इसके बाद हम 29 स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ये स्किप करके ये 30वें के ऊपर हम एक ये मार्कर और लगा देंगे। इसी तरह हम इस तरफ से भी करेंगे। इस तरफ से भी 18 स्किप करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक ये 18वें के ऊपर एक लगा देंगे। इसके बाद 29 स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और एक ये 30, 30वें के ऊपर हमने ये मार्कर लगा दिया। ये हमारे फ्रंट और बैक और स्लीव्स ये अलग हो गई हैं। अब ये हमारी स्लीव है, ये इसकी फ्रंट है, ये फिर से स्लीव है और ये पीछे से इसकी ये बैक है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें अब जो रो हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हमने 4 स्टिचेस में इंक्रीज़ करना है। एक इंक्रीज़ यहाँ सेंटर में करेंगे, एक यहाँ सेंटर में करेंगे, स्लीव में कोई से इंक्रीज़ नहीं होगा, और ये बैक का है जो इसके यहाँ पर 2 इंक्रीज़ करेंगे। तो ये इंक्रीज़ करने के लिए इसका पहले हम हाफ लेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे मैं आपको बता दूँगी। ये मैंने यहाँ पर कलर चेंज कर लिया है, अगर आप चाहो तो सेम कलर से भी आगे बढ़ सकते हैं। चेन 2 करके सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे डालेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये मेरे 18 हैं, तो जो 9th स्टिच होगा उसके ऊपर मैं दो डबल क्रोशे बनाऊंगी, एक ही स्टिच में इंक्रीज़ करूंगी। तो ये एक हुआ, 2 3 4 5 6 7 8
रेखिए इसके बाद जो स्टिच होगा उसमें हम एक ही स्टिच में दो बार करेंगे, इंक्रीज करना है हमने एक, तो ये हमारा इंक्रीज हो गया। इसके बाद फिर से हर स्टिच में डबल क्रोशे करते हुए यहाँ तक आएंगे मार्कर के निशान तक, एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक ये आठ। अब ये नाइन्थ जो है ये हमारा यहाँ से ये यहाँ तक हम अपने अटैच करना है, ये स्लीव है तो स्लीव में यहाँ पर हम बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पर हम इसमें डबल क्रोशे करेंगे एक और उसके बाद हम चार चेन करेंगे, एक दो तीन और एक ये चार। फिर ये 29 स्टिच जो है बीच के ये हम स्किप कर जाएंगे और ये जो हमने मार्कर दूसरा लगाया हुआ है इस मार्कर से को हटा के यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे डबल क्रोशे करते हुए इस, ये तीन तीन का दो दो का एक ये अटैच कर दिया हमने, तो ये हमारी स्लीव अटैच हो गई है कि ये इसका आर्म होल बन गया है। इसके बाद ये बैक अब स्टार्ट हो गई है तो बैक में भी हमने दो बार इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पर हम ये इसके बाद हम आठ स्टिचेस के बाद नौवें स्टिच पर फिर से इंक्रीज़ करेंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब इस नौवें स्टिच के ऊपर हम फिर से एक ही स्टिच में दो बार करके इंक्रीज़ कर लेंगे। अब इसी तरह यहाँ से ये हम आठ स्टिचेस गिन के नौवें पे एक मार्कर लगा देते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये नौवां, तो यहाँ पर हम ये मार्कर लगा देते हैं कि हमने यहाँ पर इंक्रीज़ करना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ यहाँ पर है, चौदह और एक ये पंद्रह के बाद सोलहवें पे हम यहाँ पर ये दो करके इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद फिर इस मार्कर तक हमने सारे हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे करना है। अब इसके अंदर हमने ये अब यहाँ पर इंक्रीज नहीं करना, ये फिर स्लीव का है हमें जोड़ना है, तो इस स्टिच में एक डबल क्रोशे किया, उसके बाद हमने
चार चेन की, और इसको 29 ये बीच के ये स्किप करके जो हमने ये निशान लगाया था मार्कर का उसके साथ ये अटैच कर देना है डबल क्रोशे करते हुए। ये अटैच हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे 18 टोटल हैं, तो 9 के बाद हमने 8 के बाद 9वें में फिर से हमने इंक्रीज़ करना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ के बाद इसमें हम ये 2 बनाएंगे, उसके बाद फिर हर स्टिच के अंदर एक एक डबल क्रोशे। यहाँ पर ये हमारा स्लीव्स अलग हो गई हैं, ये स्लीव्स आ गई हैं। अब ये फ्रंट और फ्रंट के दोनों पोर्शन हैं, ये स्लीव और ये पीछे ये बैक है। अब इसके आगे हमने ये स्टार स्टिच बनाना स्टार्ट करना है। ये किस तरह से इसके आगे बढ़ना है अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।